अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो ब्लॉगर की सीरीज के अंदर आपको वेलकम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ब्लॉगर पर अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं या अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए यानी ब्लॉगर का ब्लॉग बनाने के लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर है, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले अपना ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। तो ब्राउजर ओपन करने के बाद जस्ट आपने blogger.com पर जाना है। तो यहाँ पर आपको जीमेल अकाउंट रिक्वायर होगा। जब भी आपने यहाँ पर अकाउंट बनाया तो आपको जीमेल अकाउंट यहाँ पर रिक्वायर होगा, यानी सबसे पहले आपने अपने जीमेल अकाउंट के साथ यहाँ पर लॉग इन होना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जिस जीमेल पर मेरा कोई अकाउंट नहीं है तो उसके साथ मैं यहाँ पर लॉग इन हो जाता हूँ। तो जस्ट यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो आपको जैसे ही आप यहाँ पर लॉग इन होंगे तब आपको ऐसा इंटरफेस इसका नजर आएगा। यानी जैसे ही आप अपने जीमेल अकाउंट के साथ यहाँ पर लॉग इन होंगे तब आपको इसका इंटरफेस ऐसा नजर आएगा। तो सबसे पहले आपने अपने ब्लॉगर का यानी ब्लॉग का आपने टाइटल देना है कि आप किस टाइटल से यहाँ पर ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैं टाइप कर देता हूँ लर्निंग प्लेस। तो मैं यहाँ पर, आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम अपने ब्लॉगर का रख सकते हैं, जैसा आप काम करना चाह रहे हैं वैसा आप अपने ब्लॉगर का नेम रख सकते हैं। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने ब्लॉगर का यूआरएल यहाँ पर यूनिक सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जस्ट टाइप करता हूँ लर्निंग प्लेस। तो यहाँ पर वो आपको विजिबिलिटी बताएगा कि ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो चेकिंग कर रहा है, चेकिंग एड्रेस अवेलेबिलिटी। तो आप आपको बता रहा है कि सॉरी ब्लॉगर एड्रेस ऑलरेडी अवेलेबल। यहाँ पर ऑलरेडी कोई इसको यूज कर रहा है, लर्निंग प्लेस को ऑलरेडी कोई यूज कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ साथ में learningplace.learningplace.nns। तो यहाँ पर देखिएगा दिस ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल, यहाँ पर उसका जो यहाँ पर देखे अब आप देख सकते हैं दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। तो उनका जो टेक्स्ट है थोड़ा सा डमी है इसलिए नज़र ठीक से नहीं आ रहा। तो अब जब वो आपको बता रहा है कि अवेलेबल है तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो अब आपका जो ब्लॉगर का यूआरएल है वो है learningplace.nns.blogspot.com। तो अब वो आपको बता रहा है कि आपका जो ब्लॉगर का नेम है जो डिस्प्ले होगा वो आप कौन सा रखना चाह रहे हैं। तो मैं अगेन से यहाँ पर लर्निंग प्लेस टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लर्निंग प्लेस टाइप करने के बाद फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब क्या है कि आपका जो ब्लॉगर है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम है यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम खत्म होता है तब आपको इसको नेक्स्ट स्टेप के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसके जो स्टेप है आपको कंप्लीट समझ आ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसके लिए जस्ट आपको एक जीमेल अकाउंट रिक्वायर होगा। अगर आपने जीमेल अकाउंट ऑलरेडी आपके पास है तो लॉगिन हो सकते हैं आप, अगर नहीं है तो सबसे पहले आप अपना जीमेल अकाउंट बनाएं, बाद में आप यहां पर रिडायरेक्ट होंगे। तो डिस्प्ले नेम यहां पर देख सकते हैं वी आर सॉरी बट ब्लॉगस्पॉट इज सबडोमेन। तो वो आपको बता रहा है कि नेम इज अपडेटेड, तो सबडोमेन इज अ गिवन नॉट अवेलेबल। जो आपने वो बता रहा है कि आपने जो सबडोमेन दिया है वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लर्निंग प्लेस NNS में भी यहाँ पर किसी का नहीं था, अगेन से यहाँ पर ट्राई करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसका नेम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लर्निंग ब्लॉगर टाइप कर देता हूँ, मैं भी यहाँ पर इसका लर्निंग ब्लॉग। तो इसको अगेन से यहाँ पर फिनिश करता हूँ, उम्मीद है कि अब इसका अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर वो बोल रहा है कि सब डोमेन नहीं ठीक है, वो हमको ये वाला लर्निंग ब्लॉगर NNS यहाँ पर इसका मैं नेम रख देता हूँ लर्निंग ब्लॉग। तो अब इस पर मैं क्लिक अगेन से करता हूँ और यहाँ पर मैं भी लर्निंग सॉरी तो लर्निंग ब्लॉग इसका मैंने अगेन से यहाँ पर डिस्प्ले नेम रख दिया। अब इसकी प्रोसेसिंग के बाद अगेन से चेक करेंगे। अब हमने जो अपना अकाउंट है यानी लर्निंग ब्लॉगर का अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको तीन जो मैसेज दे रहा है, नोटिस दे रहा है, वो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉलो बाय ईमेल का गैजेट्स वगैरह बारे में एक बात कर रहा है, तो और उनकी पॉलिसी के बारे में एडसेंस के रिलेटेड या कुकीज के रिलेटेड वो आपसे डिस्कस कर रहा है। तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, इसकी हमको कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो आज की इस वीडियो में हमने सक्सेसफुली अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लिया है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके पोस्ट, स्टैट्स, कमेंट्स, अर्निंग या पेजेस, लेआउट, सीम एंड सेटिंग के बारे में हम बात करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से फंक्शन है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।